यूपी के इटावा में शराबी पति और कर्जदारों से परेशान होकर एक महिला ने अपने पति की जमकर धुलाई कर डाली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो अपने पति को डंडे से पीटने के बाद रस्सी से घसीटते हुए दिखाई दे रही है। महिला का कहना है उसे पति ने पहले तो शराब के चक्कर में अपने घर को बेच दिया और अब वो खेती की ज़मीन भी बेचने की कोशिश कर रहा था। यही नहीं, आए दिन घर के बाहर लेन देन खड़े हो जाते हैं, जिससे तंग आकर उसने ये कदम उठाया। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, पर मुझे मजबूरी में करना पड़ा, क्योंकि मेरा ये सब बेचे दे रहे, मेरे छोटे छोटे बच्चे कहाँ लेके जाऊँ, इन पर साल मेरा मकान भी बेच दिया। जब तब भी मैं थाने गई, वहाँ पर मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, तब भी मैं रो पीट के रह गई, हो गया सो हो गया, गांव में स्टाम्प पेपर पे साइन करा लिए और कह दिया सारा पैसा पहुँच गया, तब भी मुझे कुछ नहीं मिला। और अब जब मेरे घर पर शादी थी तो इन्होंने मुझे जाने नहीं दिया, तो मेरे भाई आए और जो जिनके साथ पीते खाते वो भी आए और गाली गलौज करने लगे। तो मेरे भाई ने बोला क्यों ऐसी गंदी लवाज बोलते, अपनी औरत से बोल सकते, दूसरे से नहीं बोल सकते हो। तो वो चिपट गया, पी रखी थी उसने, अब वो भी चिपट गया और इन्हें बुलाया, इतने दुष्ट थे एकदम गिर पड़े। तो मेरे भाई का पैर टूट गया, ये नहीं पता कि उसकी वजह से टूटा क्या, इसकी वजह से टूटा, ये नहीं मुझे पता। हाँ ये 100 रुपए ले लेते, 100 रुपए देते और कहते 1000 दिए, कोई कहता 1 लाख हो गया, कोई कहता 50,000 हो गया, 50 का 10 का ब्याज दो, हम बताओ कहाँ से दे, हम छोटे छोटे बच्चों को मजदूरी करके नहीं पाल पा रहे हैं, तो 1 लाख का 50,000 का या 1.5 लाख का मैं कहाँ से कर ब्याज दूँ 10 का। कम से कम 2-3 साल हो गई है, पहले पीते थे कम और जब से घर बेचा है तब से बहुत पी रहे, प्रत्येक दिन एक पैसा तो कोई कभी कमाने नहीं जाते। तो मेरे भाई ने बोला कि तुम घर खेत नहीं बेचोगे, घर बेच दिया तो बेच दिया, ये तुम्हें 100 रुपए रोज देगी। कितने कर्जदार हो गए रोज आके गिरते? कम से कम कोई कर्जी की कोई वही नहीं है, कभी तहसीलदार आ जाते है, कभी एक मंडी से आ जाते है, कभी कोई कोई आ जाता। तो हम सबसे यही कहते, हमने कहा लिया है सो हम दे, जिसने लिया है उस पे ले जाए, कहे तुम का दियो तुम्हारी भलाई नहीं, सब ऐसे ही बोलते। मारपीट भी करते, गाली गलौज ज्यादा करते, मारपीट कर नहीं कर पाते, क्यों हम उन्हें एकदम वैसा कर देते, फेंक देते, मेरे पास आते इतनी में पिए रहते, मुझे मारते पीटते नहीं। कल हमारी ये बात थी, हमारी खेती बिल्कुल इनने खत्म कर दी। हाँ मेरी खेती पे लोग बाग ने स्टाम्प पेपर पे बुक करा लिया है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ लिखवा ली है। जब मुझे पता चला, क्योंकि मेरे डोकर बीमार थे, मैं तो मोती झील में उनका इलाज करा रही थी, जब मैं आई जब मुझे पता चला तो मुझे ये तो इतनी पिए थे यहाँ पर गिर पड़े, तो हमने की अब तो मैं बांध के ही डाले, हम छोड़ी।